अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 21 साल लगातार गौशाला के प्रधान रहे और 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन ओम प्रकाश कबलाना का निधन हो गया था। उनके शरीर को मुखाग्नि भी दे दी गई, लेकिन उनके चाहने वालों को आज भी यकीन नहीं होता कि उनके चहेते चेयरमैन इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके घर पर एक बैठक का आयोजन था। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की और उन्होंने कहा चेयरमैन का चले जाना एक युग का अंत है। उन्होंने भी माना कि बहुत ही बड़े गोबक थे ओम प्रकाश कबलाना और उन्होंने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ दुख भी साझा किया। ओम प्रकाश जी बहुत ही गोबक, बहुत ही समाज सेवी, मैं कहूँगा कि बहुत जीवन और खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जाना जज्जर शहर की इस इलाके की बहुत बड़ी क्षति है और मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि। वहीं दूसरी ओर उनके चाहने वालों ने बताया कि लगातार 21 सालों तक गौशाला की सेवा की और 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, साथ ही वो लोगों के चहेते भी थे। जो भी पंचायती फैसले करते थे उनसे लोग संतुष्ट होते थे, उनके फैसले एक तरफा नहीं होते थे, दोनों ही पक्ष उनके फैसले से संतुष्ट दिखाई देते थे। चेयरमैन साहब के बारे में, चेयरमैन ओम प्रकाश कबलाना एक सदाबहार चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन तो बहुत लोग बने, लेकिन कहीं भी चेयरमैन का नाम आता तो ये से भी लोग बोलते हैं ओम प्रकाश कबलाना ही चेयरमैन। ये 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे और अपना पूरा ही जीवन गऊों के लिए लगा दिए उन्होंने। यहाँ पर अपने गौशाला के प्रधान कितने साल तक रहे प्रधान? 21 साल, क्योंकि हम तो आए तभी से सुनते थे और अब तक ये गौशाला के प्रधान रहे 21 साल कंटिन्यू। और इनके दौरान बहुत दूर दूर से, पूरे हरियाणा के बाहर से भी लोगों ने कौओं के लिए बहुत भारी काम किया, क्योंकि उनकी आस्था हमेशा ही कौओं के प्रति रहती थी, जिसके लिए उन्होंने कौओं के समाधान के लिए पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में घूम घूम करके यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला का वो रहा। और प्रधान जी एक सदाबहार प्रधान रहे, भी आने के बाद जहाँ भी पता चला भी प्रधान चेयरमैन बोला गया तो ओम प्रकाश का इनाम आया। कितनी क्षति मानते हैं शहर को कि भाई इस शहर के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसी प्रकार के छोटे मोटे भाईचारे में जो दंगे फसाद हो जाते हैं उनको निपटाने में चेयरमैन का अहम रोल रहता है। कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी हो या लोकल अधिकारी हो या समाज सेवा कोई काम हो, उसके अंदर में चेयरमैन को जरूर याद किया जाता था। चेयरमैन के कहीं भी इस तरह के फंक्शन में पहुंचने से लोगों को एक तसल्ली मिलती थी, भैया हमारा काम तसल्ली बस हो जाएगा। मतलब व्रत तो उनसे जुड़े थे लोग, देते थे युवा भी बहुत ज़्यादा तादाद में उनके। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा युवा भी जुड़े थे उनके साथ में। उनके साथ में ऐसा था, चेयरमैन का स्वभाव कुछ ऐसा था, बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े, जैसा भी इंसान उनके सामने आता तो उसी तरह डर जाते थे। इसलिए उनकी पूरे रहने के अंदर बहुत ज़बरदस्त चर्चा थी, खास करके समाज सेवा के हक में, कौओं के हक में। और इस तरह के अपने जो आपसी भाईचारे में छोटे मोटे दंगे फसाद हो जाते हैं, कोर्ट के जरिए केस होते हैं, कोई भी जो वहाँ नहीं निपटते थे वहाँ पर कोठी मार करके निपटाए जाते थे और दोनों थोकों को बिल्कुल सर्टिफाइड करके भेजते थे। इसलिए इनको तमाम तकरीबन हरियाणा से बाहर के लोग भी अच्छे से जानते थे। दूसरी ओर चेयरमैन के चाहने वालों ने बताया कि उनकी बैठक उनकी नहीं थी, बैठक एक सामाजिक थी। वो चेयरमैन भी कहते थे बैठक कभी भी किसी की नहीं होती, 24 घंटे लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनके चले जाने से 4 राज्यों को क्षति हुई है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी के लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उन्होंने एक गोभक्त और समाज सेवक को खो दिया। चले जाने से कितनी क्षति है चेयरमैन साहब के जाने से? जी, अपने 4 स्टेट तो जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, इन 4 स्टेटों में जो समाज सेवी आदमी कहलाने वाले थे उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं था। उन्होंने हर वर्ग की, हर इंसान की, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, उनसे हर आदमी जुड़ा हुआ था और उन्होंने हर आदमी की दिल से कदर की है। और जितने भी जो भी सामाजिक फैसले होते थे बगैर चेयरमैन साहब के गए हुए मुश्किल होते थे और उन्होंने हर फैसला अपने तरीके से निपटाया है। इस बैठक की एक खासियत बताते हैं कि ये बैठक कभी बंद नहीं। ये बैठक जी चेयरमैन साहब के ने एक ही चीज़ कही थी, देखो समाज में हम बैठते हैं, हम समाज में जाते हैं, जहाँ समाज में जाते हैं लोग कदर करते हैं, तो हमने भी एक ऐसा अपना
दिखाना करना है कि जैसे हमारे पास लोग भी आवे तो हमारी बैठक जो है ना सदा आबाद रहे। तो उन्होंने इस बैठक को ऐसा कर दिया था, यहाँ बच्चे भी बूढ़े भी जवान भी रात को भी आने जाने वाले, चाहे ड्यूटी वाले होते पुलिस वाले होते जो भी जहाँ भी होते थे वो सीधे यहाँ आते थे। चेयरमैन साहब के वहाँ जाकर लौटेंगे, वही रोटी पानी सारी चीज़ हर एक चीज़ की तसली होती थी उसके यहाँ। गौओं के लिए एक बार जेल भी जाना पड़ा चेयरमैन, गौओं के लिए जो जेल गए चेयरमैन साहब ने, वो जो कांड हुआ था उसमें चेयरमैन साहब का कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के प्रति जब ये देखा अभी समाज के ऊपर बात आ गई, उन्होंने सारी बात छोड़ दी, अपने ऊपर उठ ली थी, अगली वो काम हमने कराया से समाज को, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर समाज में बुराई नहीं आने दी, उन्होंने खुद सारी बुराई अपने ऊपर ले ली थी। उन्होंने गौओं का इतना किया है कि शायद ही कोई भी गौ भक्त बहुत होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, गौशाला बहुत चलाते हैं, लेकिन चेयरमैन जैसा गौ भक्त आज तक हरियाणा में एक भी नहीं हुआ है। कितनी क्षति हुई है हरियाणा को, हरियाणा को चेयरमैन साहब के जाने के बाद आज एक इतनी बड़ी हानि हुई है लोगों में, अब शायद ही वो भरपूर हो सके, क्योंकि ऐसा जो पहले आचार्य साहब ने कल बताया था कि पैदा होने कम हो गए, जाने शुरू हो गए, लेकिन ये आज इस आदमी के जाने, चेयरमैन साहब ओम प्रकाश चेयरमैन के जाने के बाद इतनी हानि हुई है कि समाज को भी परिवार को भी और भाईचारे को भी, कि शायद फैसले में ऐसा आदमी कोई मिलेगा अब जो सच्ची बात कहे जैसे चेयरमैन साहब। वहीं दूसरी ओर एक युवा साथी ने बताया कि ओम प्रकाश का चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है, लेकिन उनके पुत्र संजय कबलाना में उनका अक्स दिखाई देता है और उम्मीद जताते हैं कि संजय कबलाना जो चेयरमैन के अधूरे काम थे वो पूरा करेंगे, जो सपने उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए देखे थे उन्हें संजय कबलाना पूरा करेंगे। हालांकि संजय कबलाना किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनकी समाज सेवा और गो भक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अब संजय कबलाना की जिम्मेवारी और भी ज्यादा हो जाती है, लोगों की उम्मीदें अब संजय कबलाना से ज्यादा होंगी। उन्होंने कहा कि लोग भी जितना चेयरमैन को चाहते थे कहीं बढ़कर संजय कबलाना का साथ देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी, इस समाज के बहुत ही बड़े गोभक्त, समाज सेवी और एक कर्मठशील व्यक्ति थे, उनके जाने के बाद इस समय इस समाज में जो क्षति हुई है उस क्षति को हम सभी भली भांति देख चुके हैं। आज के समय में चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी जितने भी मेरे युवा साथी, इस प्रदेश के युवा साथी हैं, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे, और जो कुछ भी उनके अधूरे काम बचे, उनके अधूरे कार्य बचे, उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए संजय कबलाना जी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उन सभी कार्यों को अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी बड़े ही कर्मठशील व्यक्ति थे, बड़े ही नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिलता था वो जीवन भर उन्हें याद रखता था, उनको आदर्श मानता था, और उनको अपने पिता के समान बड़े भाई के समान देखता था। संजय को अक्स बताते हैं कि ओम प्रकाश के अक्स हैं तो संजय हैं जी, इस बारे में कितने आप मानते हैं उसको? संजय कबलाना जी ओम प्रकाश चेयरमैन जी के तीसरे पुत्र हैं, और संजय कबलाना जी में हमें ओम प्रकाश चेयरमैन जी दिखाई देते हैं। हाल फिलहाल में संजय कबलाना जी को हम जब भी देखते हैं तो सीधे तौर पर हमें चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी दिखाई देते हैं, और आशा करते हैं और उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आने वाले समय में जो कुछ भी कार्य चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी छोड़कर गए हैं उन सभी कार्यों को संजय कबलाना जी अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। झज्जर से विजेंद्र के साथ संजना छाबड़ा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।